नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कृष्णा रोज क्रिटिक सपोर्ट चैनल। दोस्तों आज एक सैमसंग का प्रिंटर है L805, उसमें दिक्कत ऐसी जा रही कि उसमें सभी लाइट एक साथ में ब्लिंक कर रहे हैं। रेड प्लस जो अपना ग्रीन है वो भी ब्लिंक कर रहा है। और प्रिंट देंगे तो आपको ऐसा मैसेज दे रहा है वो एरर का, तो इसके कैसे सॉल्व किया जाए दोस्तों? ईजी है, कुछ नहीं, उसका ऑप्शन का ऊपर का ट्रे है उसको ऊपर हटा दो ऐसा, और यहाँ पे एक हेड दिखेगा आपको, इसको इसके साइज में यहाँ पे अलाइन कर दो, इसको यहाँ पे इसके साइज पे लगा दो, ठीक है? ये थोड़ा इधर आ गया था तो इसको यहाँ से लगा, प्रिंटर को एक बार रिस्टार्ट करो यहाँ से। फिर से चालू कर रहा हूँ, देखते हैं कि एरर निकल गया कि नहीं निकल गया। कभी भी क्या होता है कि आप वो PSC कार्ड के लिए आप वो ट्रे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से वो जो हेड है वो बीच में रुक जाता है। तो अब अगर कंटिन्यू अब अगर सिर्फ पेपर यूज़ के लिए करते होंगे तो आपको एरर नहीं आएगा, अगर आप PSC कार्ड प्लस पेपर का यूज़ करते होंगे तो आपको ये एरर डेफिनेटली देगा एक दो बार। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो जो हेड है उसको उसके साइज पे लगा दो साइड पे, ये एरर 100% निकल जाएगा आपका। अभी इंस्टॉलाइज हो रहा है प्रिंटर, देखो दोस्तों एरर निकल चुका है, अभी कोई भी अपना रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।